ये गाइस, स्वागत है आपका आज एक और ज़बरदस्त वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ 5 बेस्ट फोन्स अंडर ₹15,000 इन इंडिया एज ऑफ द मंथ अगस्त 2021। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फोन्स मैंने आज पिक किए हैं, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको मेरी एफर्ट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करना। तो सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पांच फोन्स जो मैं बताने वाला हूँ, नंबर 5 पे ही 3 फोन्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, क्योंकि तीनों बिल्कुल सेम फोन्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ रेडमी नोट 10T 5G, पोको M3 प्रो 5G और रियलमी 8 5G की। तीनों बेसिकली बिल्कुल सेम फोन्स हैं। इनके अंदर मिलता है एक 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट वाला 6.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले, साथों साथ मिलता है मीडियाटेक का डायमंड्स D700 प्रोसेसर, 5G प्रोसेसर। इस फोन को इसलिए पिक किया क्योंकि इसका इनका जो प्रोसेसर है ये काफ़ी अच्छा खासा है इस प्राइस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, वरना इन फोन्स में काफ़ी बड़े बड़े डाउनग्रेड्स हैं, स्पेशली कैमरा और फास्ट चार्जिंग में। तो उसके लिए इन फोन्स को रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको 5G प्रोसेसर चाहिए तभी इनके तरफ आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ फोन के बारे में, जिस फोन का नाम है रेडमी नोट 10S। ये फोन रेडमी नोट 10 से थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। इसके अंदर हमें मीडियाटेक का हेलियो G95 मिलता है, ज़्यादा कुछ खास इसमें भी नहीं है। और ये और नंबर 3 का फ़ोन बहुत सिमिलर है। और इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का ओमनीविजन का कैमरा मिलता है, साथ साथ मिलता है 16K सेल्फी और एक फुल HD सुपर एमोलेड डिस्प्ले। और नंबर 3 की बात करते हैं, आता है रियलमी 8 4G। और ये फ़ोन भी रेडमी नोट 10 जैसा ही बिल्कुल है, 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर मिलता है, साथ साथ 64 मेगापिक्सल का इसके अंदर सैमसंग का कैमरा मिलता है। तो ये कैमरा थोड़ा उससे बेटर है। साथों साथ इसके अंदर हमें रियलमी MIUI मिलता है, उसके अंदर MIUI मिलता था और इसकी प्राइस ₹1,000 से कम है। ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। और जो भी फोन्स मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे फोन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल्स हैं, मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर आपको और इंटरेस्ट है, मेरे सोशल मीडिया में मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे DM ज़रूर करना ट्विटर और इंस्टाग्राम में, यूज़र नेम मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब बात सेकेंड नंबर के फ़ोन के बारे में, जो कि होगा मोटरोला का G40 Fusion। ये फ़ोन देखा जाए तो काफ़ी अच्छा खासा फ़ोन अभी भी है, लेकिन पहले ये और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था, क्योंकि पहले ये थोड़ा सस्ता था, अभी प्राइस हाइक हो गया है। इसके अंदर हमें देखा स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर, यही एकमात्र फ़ोन है इस लिस्ट के अंदर जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। साथ साथ इसके अंदर 64MP का कैमरा मिलता है, कैमरा में बताऊँगा बिल्कुल एवरेज सा है, रियलमी 8 4G से भी अच्छा कैमरा इसका नहीं है। इसीलिए कैमरा के रिस्पेक्ट में ये फ़ोन मत लीजिए। अगर आपको स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर चाहिए 15,000 के अंदर में, तब फोन आप चेकआउट कर सकते हैं। साथों साथ स्टॉक एंड्रॉइड का भी गुडनेस मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। नंबर 1 फोन की बात करें इस लिस्ट में, तो वो होगा रियलमी का नार्जो 30 Pro 5G। क्योंकि सबसे पहले तो बात बता दूँ, इसकी जो प्राइसिंग है 500 रुपीज़ से ज़्यादा है 15,000 से, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो फ्लिपकार्ट में अप डाउन होती रहती है। तो कुछ दिन पहले ये 15,000 में मिल रहा था, और अगर 500 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा दे सकते हैं तो ये अच्छा डील बन जाता है। क्योंकि इसके अंदर हमें मिलता है मीडियाटेक का डायमंड्स 800U प्रोसेसर, बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है 15,000 के रिस्पेक्ट में। क्योंकि ये जो प्रोसेसर है ये ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 750G के आसपास आता है, और 750G आपको पता ही है 19-20 हज़ार के फ़ोन से मिलते हैं, तो उस रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। साथ ये फ्यूचर प्रूफ भी है, क्योंकि इसके अंदर 4 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। इसके अंदर वेल फंक्शनिंग कैमरास भी है, 48+8+2+2 अगर हट्टा भी दे तो 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल रहा है, जो कि बाकी 5G फोन्स में हमें नहीं मिलता। तो अगर एक फ्यूचर प्रूफ 5G फोन चाहिए तो ये काफ़ी अच्छी डील बन जाती है गेमिंग के रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि इसका 3.5 mm हेडफोन जैक पर दिया हुआ है। सिर्फ एक ही कॉन है कि इसका जो बेस वेरिएंट है वो 64GB है, और अगर आपको 128GB चाहिए तो आपको 8GB रैम वाला वेरिएंट लेना पड़ेगा, जो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो अगर आप 64GB से मैनेज कर सकते हैं तब तो रियलमी नार्जो 30 Pro काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आप कोशिश कीजिए रेडमी नोट 10 प्रो को थोड़ा डिस्काउंट वगैरह देकर मिल जाने के, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छा डील मिल जाता है और वो भी एक स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ ही आता है। तो ये रही बेस्ट फोन्स अंडर 15,000 इन इंडिया एज ऑफ अगस्त 2021। और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।